मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री से की मुलाकात। कल फाइनल नामों की सूची को लेकर दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कमलनाथ ने साधा सीएम शिवराज पर निशाना। कहा 15 दिन में सुन रहे हैं विस्तार की खबरें। उपचुनाव में 20 सीटें जीतकर फिर सरकार बनाने का किया कमलनाथ ने दावा। भोपाल में आज फिर मिले कोरोना के 20 नए मरीज। राजभवन कैंपस में रह रहे 6 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। आज से खुल गए इंदौर के सरकारी दफ्तर। भोपाल में 62 दिन बाद खुले बाजार। 3 क्लस्टर में बांटा गया है शहर को। कंटेनमेंट और बफर जोन में लागू रहेंगी पाबंदी। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 7025 के पार। मौतों का आंकड़ा पहुंचा 305 के पार। अकेले इंदौर भोपाल में करीब 5000 मरीज। देश में 1,50,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 4,300 से ज्यादा की मौत। 63,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। छत्तीसगढ़ में सामने 40 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। सबसे ज्यादा मुंगेली में पाए गए 70 संक्रमित। इलाके को पूरी तरह से किया गया सील। नौतपों के तीसरे दिन गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार। मौसम विभाग का अनुमान 4 दिन और चढ़ेगा पारा। 28 मई के बाद हो सकती है बूंदा। ग्वालियर तक पहुंचा टिड्डियों का आतंक। 2 दर्जन गांवों में फसलें पूरी तरह से बर्बाद। कृषि विभाग ने जारी किया अलर्ट। कीटनाशक दवा छिड़कने की सलाह।